सरस्वती स्कूल पलसाना की तरफ से सभी बच्चों और अभिभावकों को हमारा नमस्कार। तो सोमवार से हम कक्षा 11 नियमित रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षाएं प्रारंभ करने से पहले हम आपको कक्षा 11 के सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि आपको कौन सा विषय किस तरह से लेना है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर आएंगे। तो देखो कक्षा 11 की मैं बात कर रहा हूं। कक्षा 11 में कुल विषय होते हैं बेटा 5। कुल विषय हमारे पास में कितने हैं? 5, जिसमें से 2 विषय होते हैं अनिवार्य, हिंदी और इंग्लिश। चाहे आप साइंस लें चाहे आप आर्ट लें, दोनों में 2 विषय आपके कॉमन रहेंगे, ठीक है, कंपलसरी रहेंगे, वो है हिंदी और इंग्लिश। 3 विषय हमारे पास में होते हैं ऐच्छिक, जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कौन सा संकाय आप लेना चाहते हैं? देखिए संकाय हमारे पास में यहां पर 4 प्रकार के संकाय हैं। विज्ञान वर्ग के 3 संकाय हैं। देखिए एक तो होता है विज्ञान वर्ग में मेडिकल, नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, और एक संकाय हमारे पास में है कला वर्ग यानी आर्ट्स। विज्ञान वर्ग के 3 सेक्शन हो गए, मेडिकल, नॉन मेडिकल और एग्रीकल्चर, और एक चौथा संकाय है हमारे पास में कला वर्ग। यदि आप मेडिकल लेना चाहते हैं कक्षा 11 में, तो देखिए उसके सब्जेक्ट्स की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। मेडिकल मतलब बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं अपने इसको। देखिए इसमें भी आपके कुल विषय 5 होंगे। मैं बता चुका हूं 2 विषय आपके अनिवार्य विषय रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। 3 विषय आपके ऐच्छिक हैं। जैसे आप मेडिकल ले रहे हैं तो उसमें आपको 3 विषय रखने पड़ेंगे। कौन से? एक तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, ठीक है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है, जिसको आप कॉम्बिनेशन को बोलते हैं PCB। इसी तरह से अगर आप गणित विषय लेना चाहते हैं, यानी कि आप नॉन मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, तो नॉन मेडिकल में भी आपके पास में 5 सब्जेक्ट होंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको अनिवार्य रूप से बता चुका हूं। तीसरा जो विषय आपका बनेगा वो है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और गणित। अब देखिए बायोलॉजी और मैथ में अंतर क्या है? सिर्फ एक ही विषय का अंतर है। अगर आप जीव विज्ञान लेते हैं तो आप बायो के स्टूडेंट हो गए, और अगर आप गणित लेते हैं तो आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो गए। इसी तरह से तीसरा संकाय हमारे पास में है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी वही 2 विषय अनिवार्य रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। मैंने कहा सब में चलेगा हिंदी और इंग्लिश, 3 विषय आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। 3 विषय कौन से हैं? देखिए एक तो खुद कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर खुद एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है, केमिस्ट्री आपका कॉमन रहेगा, और एक आपकी बायोलॉजी, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो बायो की जो लिस्ट है इसमें अगर आप बात करें तो फिजिक्स को आप यहां से हटा दें और उसकी जगह आप एग्रीकल्चर ले लेते हैं तो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो गए। फिर उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा कला वर्ग की। कला वर्ग में भी हमारे पास में 2 अनिवार्य विषय हो गए, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद में 3 विषय आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से 3 विषय का कॉम्बिनेशन यहां लेना चाहेंगे। हमारे पास में जो सब्जेक्ट हैं वो है एक तो जियोग्राफी, जिसको आप बोलते हैं भूगोल, ठीक है, एक हमारे पास में है पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य, ठीक है, एक आपके पास में है ड्राइंग यानी चित्रकला, और एक आपके पास में है इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य। तो ठीक है बेटा, मैंने आपको सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब आप जो है इस वीडियो को देखने के पश्चात आप ये डिसाइड करें कि हमें कौन सा विषय लेना है। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप हमारे जितने भी वीडियोस हम ग्रुप में डालेंगे आप उसमें सभी वीडियोस को आप देखिए, 2-3 दिन आप उन वीडियोस को देखिए और आप ये निर्धारित कर लीजिए कि हमने कौन सा संकाय लेना है। अगर कोई जिन बच्चों का ये निर्धारित है कि हमने बायो लेनी है, मैथ लेनी है, ये वीडियो हमारा देखने के पश्चात
आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपना संकाय जो आप लेना चाहते हैं वो हमें आप कमेंट करेंगे, ठीक है। सोमवार से हमारी जो है नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आज ही इस वीडियो को देख करके आप डिसाइड कर लीजिए और अपना नाम और संकाय लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। और एक सबसे जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों के नंबर हमारे ग्रुप में अपडेट नहीं हैं या कोई अन्य नंबर आप हमारे ग्रुप में जुड़वाना चाहते हैं, या आप अभिभावक हैं और घर से बाहर रहते हैं और घर का कोई अन्य नंबर आप हमें ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हैं, तो आज ही हमें आप नंबर अपना भेजें जिसको हम ग्रुप में ऐड करेंगे। मैं आपको कोई भी अगर आपने कोई सूचना लेनी है, ठीक है, कोई बात आपके समझ में नहीं आती है, कोई नंबर आपने ऐड करवाना है, तो मैं आपको यहाँ पर तीन हमारे जो नंबर हैं कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा नंबर है विक्रम चावला, देखिए क्या 9462907469, ये रवि सर का नंबर है 7357191810, सुभाष शीला जी का नंबर है 8003076146, आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके दसवीं के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं और आपको आपके जीवन का बहुत बड़ा फैसला लेना है अभी कि आप किस संकाय में जाएंगे। कई कमज़ोर विद्यार्थी हैं जो ये सोचते हैं कि हम साइंस नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे आसान सब्जेक्ट अगर माना जाए तो बेटा जी नॉन मेडिकल ही है सबसे आसान, क्योंकि नॉन मेडिकल से आपके सारे दरवाजे खुलेंगे। आप नॉन मेडिकल से मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, आर्ट में, सभी में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार आर्ट ली तो आप आर्ट से विज्ञान के रास्ते पे नहीं आ सकते। अगर कोई आज आई एस बनता है ना, तो अगर आप उसका इतिहास पूछें, आप उस बच्चे से पूछें कि बेटा तू IAS कैसे बना, तो आप देखना अधिकतर बच्चों ने 11th 12th में साइंस ही ली होगी, और जब वो 12th की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद वो आर्ट के अंदर जाते हैं और IAS बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और इस संदेश के माध्यम से मैं ये नहीं कहना चाहता कि आर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है, लेकिन आपको आपके जीवन का बहुत बड़ा फैसला लेना है, इसीलिए सोच समझ कर ले। किन्हीं विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि सर हमें समझ नहीं आएगा, तो बेटा जी अभी आने वाले सोमवार से नियमित रूप से कक्षाएँ शुरू होंगी, केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड होगी, फिजिक्स की, मैथ की, बायो की, एग्रीकल्चर की, आप आराम से 4 दिन देखें, 5 दिन, 10 दिन, महीना देखें, कोई लॉस नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तब आप उस संकाय में प्रवेश लें, लेकिन अपने दोस्तों के चक्कर में कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया मैं वो लूँगा या वो लूँगी, ऐसा ना करें। आप इसके साथ अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ करेंगे करेंगे, और अपने अभिभावक और अपने समाज के साथ। जैसा कि विक्रम सर आपको सारी जानकारी दे चुके हैं कि किस संकाय में क्या सब्जेक्ट लगेंगे और आपकी तैयारी कैसे होगी, सारा प्रोसेस जैसे जैसे वीडियो चलती जाएंगी वो बताते जाएंगे। मैं कुछ स्कोप की बात कर रहा हूँ आपके पास। अगर जैसा कि सबको पता है कि मेडिकल अगर आज आपने ले लिया, बायोलॉजी में चली गई, डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग में आप जा सकते हैं। आजकल अखबारों में देख रहे हैं DMLT है, रेडियोग्राफी, कई बच्चों ने नाम मेरे मुँह से पहली बार सुना होगा, सर ये DMLT क्या है, रेडियोग्राफी वही कर सकता है जिसने साइंस ले रखी हो, चाहे वो मैथ हो चाहे बायो। आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत स्कोप आने वाला है। एग्रीकल्चर की अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर, अगर कोई बच्चा BSc एग्रीकल्चर कर लेता है तो बहुत ज़ोरदार स्कोप है जी उसके, फौरन तक की एजुकेशन फ्री है इसमें, जेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो क्या होगा कैसे होगा, जैसे आप ये संकाय ले लेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारी बातें समझते जाएंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सबसे आसान सब्जेक्ट नॉन मेडिकल, फिर मेडिकल और लास्ट में एग्रीकल्चर। जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है वो बायो में आ जाए, जिसको थोड़ा सा फिजिक्स से डर लगता है वो एग्रीकल्चर में आ जाए, इतना ही फर्क है। केमिस्ट्री तो आपको तीनों में ही पढ़नी पड़ेगी, ये बात क्लियर है, और सबसे टफ केमिस्ट्री है जी। अब बताइए आप सोचें क्या लें जी, इसलिए ये ना सोचें कि टफ क्या है ईजी क्या है। अगर आप बुक्स को समय दें, हमारी बात ध्यान से सुने, वीडियो नियमित रूप से देखें,
तो हम तीनों का आपसे ये वादा है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या नहीं आए। दूसरा, इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको कमेंट करना है बेटा। अगर किसी को वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं आता है तो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे, यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है बेटा जी, इस पर आप अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद संकाय लिख लें कि सर मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, मैं बायो लेना चाहता हूँ, मैथ लेना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर लेना चाहता हूँ, आर्ट लेना चाहता हूँ, जो भी आप लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप भी नहीं करना आता तो नॉर्मल मैसेज कर दें, नॉर्मल मैसेज भी नहीं करना आता तो कॉल कर लें। लेकिन आपकी जानकारी हमारे तक आनी ज़रूरी है कि सर मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। इस विद्यालय का विद्यार्थी हो चाहे किसी दूसरे विद्यालय का विद्यार्थी हो, आप संपर्क करें, अपने व्हाट्सएप नंबर अपडेट करें ताकि सोमवार से जो क्लासेस जो वीडियो चढ़ेंगी वो नियमित रूप से आप देख पाएं। और शुरू की वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, बीच में से बात समझ में नहीं आने वाली है। अन्य स्कूल वाले विद्यार्थी जो हैं वो भी अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करवा सकते हैं, संपर्क करें, ठीक है जी, मैसेज करें, कॉल कर सकते हैं, जैसे भी, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा आप संपर्क करके हमारे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।